Hi friends, I am Shikha and I am back with a new video lesson of present perfect tense. Tense में अभी तक हम कर चुके हैं टेंस का बेसिक ओवरव्यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस की। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए हैं लेकिन अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू हैं, उन एक्शंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ना ही सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उन एक्शंस को लिया जाता है जो अभी अभी ख़त्म हुए हैं, रिसेंटली ख़त्म हुए हैं, हाल ही में ख़त्म हुए हैं। एक और बात जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्शंस के होने के स्पेसिफिक टाइम को, डेफिनेट टाइम को नहीं बताता कि कोई एक्शन कितने बजे हुआ, कब ख़त्म हुआ, किस समय ख़त्म हुआ, किस हफ्ते हुआ, किस महीने हुआ, कुछ ऐसा। अभी जो समय चल रहा है प्रेजेंट का, उसे पहले वाले समय में यानी कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ लेकिन कितने बजे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किस हफ्ते शुरू हुआ, उसका टाइम, उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाता, बल्कि कोई एक्शन शुरू हुआ पास्ट में और अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, प्रेजेंट में ख़त्म अभी अभी हुआ है, इसके बारे में बताया जाता है। तो ये तो हुई बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर्स टू द एक्शन और स्टेट। स्टेट मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, कोई अवस्था, कोई कंडीशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस एक्शन या स्टेट को बताता है दैट बिगेन और हैपन्ड, जो शुरू हुआ कब, एट एन इनडेफिनेट टाइम इन द पास्ट। पास्ट में शुरू हुआ एट एन इनडेफिनेट टाइम, टाइम का एग्जैक्ट नहीं पता कब हुआ शुरू। देखिए यहाँ पर ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन के होने के टाइम को नहीं बताया जाता। क्या टाइम है, कब हुआ, कितने बजे हुआ, कोई डेफिनेट टाइम नहीं बताया जाता। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर्स टू द एक्शन और स्टेट दैट बिगेन और हैपन्ड एट एन इनडेफिनेट टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में किसी इनडेफिनेट टाइम पर हुआ, शुरू हुआ, एंड कंटिन्यूस टू द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में कंटिन्यू है या फिर प्रेजेंट में अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें क्या पता चलता है, उन एक्शंस और स्टेट्स के बारे में, अवस्थाओं के बारे में जो पास्ट में शुरू हुई लेकिन उनके टाइम का एग्जैक्ट नहीं बताया गया और प्रेजेंट में कंटिन्यू है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस की पहचान कैसे की जाती है, जिन वाक्यों के एंड में, अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, दिया है, लिया है, सोया है, ये आ जाए तो वो जो वाक्य कहलाते हैं वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस या फिर वाक्य। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं कुछ। आई हैव ईटन अ मैंगो, मैंने मैंगो खा लिया है, या फिर मैं मैंगो खा चुकी हूँ, लिया है, चुकी हूँ, ये आ गया है। देखिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो देखिए ये मैं बताऊंगी आपको आगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी हैज स्लेप्ट, वो सो चुकी है, शी हैज स्लेप्ट। तो देखिए वो सो चुकी है, यहां पर भी चुकी है आ रहा है। थर्ड देखिए, ही हैज सेट फायर ऑन हिज शॉप, उसने उसकी दुकान में आग लगा दी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से पता चल रहा है कि आई हैव ईटन अ मैंगो, मैंने मैंगो खा लिया है, मतलब ये काम हो चुका है। शी हैज स्लेप्ट, वो सो चुकी है। शी ही हैज सेट फायर ऑन हिज शॉप, उसने उसकी दुकान में आग लगा दी है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनके बाद में चुकी है, दी है, ये आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं। तो आइए अब जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इन्हें कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट एलिमेंट जिसकी हम बात करते हैं वो है हैव। हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब है
मतलब एक हेल्पिंग वर्ब है जो एक मेन वर्ब के साथ मिलके किसी सेंटेंस को पूरा करती है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब्स के साथ एक सेंटेंस में यूज़ होके सेंटेंस को पूरा करती हैं। तो हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब है। हैव की फॉर्म्स होती हैं हैज़, हैव और हैड। अब देखिए यहाँ पर हैड जो है एक पास्ट फॉर्म है वर्ब की, एक पास्ट फॉर्म है, तो हैड का यूज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट की, तो हम प्रेजेंट की जो फॉर्म्स हैं हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। कहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे ये डिसाइड करेगा सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, इन प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं हम हैव को। ही, शी, इट, इन प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं हम हैज़ को। अब हमें इतना तो पता चल गया कि किस सब्जेक्ट के साथ हमने हैज़ का यूज़ करना है, किसके साथ हमने हैव का यूज़ करना है। अब बात आती है अपने सेकंड एलिमेंट की। सेकंड एलिमेंट क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं हैज़ और हैव के साथ। देखिए वर्ब्स की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये वर्ब्स की तीन फॉर्म्स होती हैं। मेन वर्ब्स मैंने आपको बताया था कि दो तरह की होती हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स पर एक वीडियो लेसन बनाया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि रेगुलर वर्ब्स की जब हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हम ऐड करते हैं ईडी और डी को, किसमें? टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की बेस फॉर्म में यानी कि फर्स्ट फॉर्म में हम ईडी और डी को ऐड करते हैं। देखिए कैसे, अराइव, अराइव से बना अराइव्ड, वॉक, वॉक से बना वॉक्ड। अब यहाँ पर देखिए हमने डी ऐड किया, यहाँ पर ई डी ऐड किया, तो ये दोनों वर्ब्स क्या हैं? ये हैं रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स। अब बात आती है इरेगुलर वर्ब्स की। इंग्लिश में काफ़ी सारी वर्ब्स तो हैं रेगुलर वर्ब्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनकी एंडिंग डिफरेंट तरह से होती है, उन्हें हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स ही सेम होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कैसे? देखिए कट, 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 यहाँ पर तीनों फॉर्म सेम हैं। अब कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी जो फर्स्ट फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म है लेकिन सेकंड फॉर्म अलग है। कैसे? देखिए कम, केम, कम, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म है लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म अलग दी गई है। अब कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म अलग होती है लेकिन सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो हैं वो सेम होती हैं। फील, फेल्ट, फेल्ट, यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम हैं। कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स ही डिफरेंट होती हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, यहाँ पर देखिए तीनों फॉर्म्स ही डिफरेंट हैं। तो ये कौन सी वर्ब्स हैं? ये हैं इरेगुलर वर्ब्स। ये रेगुलर वर्ब्स हैं जिनमें हम डी और ईडी को ऐड करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। वर्ब की बेस फॉर्म में हम डी और ईडी ऐड करते हैं। और इरेगुलर वर्ब्स जो हैं कुछ डिफरेंट तरीके से बनाई जाती हैं। अब हम अपने पहले वाले एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए आई हैव ईटन अ मैंगो, मैंने मैंगो खा लिया है। यहाँ पर देखिए हैव का यूज हुआ आई के साथ, मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए ईटन, मैंने आपको बताया था कि कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके तीनों फॉर्म से डिफरेंट होती हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वैसे ही देखिए ईट, एट, ईटन, मैंने मैंगो खा लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हैज शी स्लेप्ट, क्या वो सो चुकी है? यहाँ पर देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये हैज़ का यूज़ हमने सब्जेक्ट से पहले किया है। शी के साथ हमने हैज़ का यूज़ किया, स्लेप्ट,
मैंने आपको बताया था कि कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो डिफरेंट होती है, बाकी जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है। स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, वैसे फील फेल्ट फेल्ट। थर्ड देखिए, ही हैज सेट फायर ऑन हिज शॉप, उसने उसकी दुकान में आग लगा दी है। कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कट कट कट, वैसे देखिए सेट सेट सेट। रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, अब हम मैंने इस वीडियो लेसन में आपको बताया कि कैसे क्रिएट किए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस। फर्स्ट एलिमेंट जिसकी हम बात करते हैं वो है हैव, ऑक्सिलरी वर्ब है जहाँ पर हम हैव की हैज़ और हैव फॉर्म का यूज़ करेंगे, और इसके साथ हम जो है इसे कैसे यूज़ करना है, सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, ही शी इट के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ और हैव के साथ जो हम सेकेंड एलिमेंट यूज़ करेंगे वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो रेगुलर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो चाहे वो इरेगुलर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट वीडियो लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि किन किन सिचुएशंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। आप तब तक इसे रिवाइज कीजिए। सी यू देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।